नमस्कार। मेरा आज का वीडियो कल के वीडियो की एक्सप्लेनेशन है, उस यानी उसमें विस्तार से बात करने के लिए है, जो कि मैंने बनाया था शक्तिशाली शब्द। दुनिया के सबसे शक्तिशाली शब्द कौन से हैं, वाणी कौन सी है जो सबसे पावरफुल है और जो चीज़ें करती है। तो आज मैं उसी पर आगे बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करा कि तो आपने ना हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर दी पर उसका निदान नहीं किया। तो आज मैं बताने वाली हूँ, थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगी कि वो कौन से शक्तिशाली शब्द होते हैं। तो सबसे पहले तो आप बिल्कुल आराम से बैठ के मेरा वीडियो सुनिए और मेरे साथ साथ इस चीज़ को देखिए। जैसे मैं कुछ बोलती हूँ, जैसे मैंने बोला जैसे, हाँ जैसे बोला, उससे पहले मेरे मन में जो शुरुआत थी वो शुरुआत जो है वो सबसे पावरफुल एनर्जी होती है। वही सब चीज़ की शुरुआत करती है, यानी ज्ञान है या कुछ भी है, मंत्र है, जाप है, सबसे पहले जो अक्षर होता है वो मुंह से बाहर निकलने से पहले जो होता है, जैसे अ, जैसे मैंने अ बोला बड़ा आ हो गया, जब मैं उससे पहले जो छोटा आ है वो सच्चाई में मैं उसको बाहर नहीं निकाल सकती, उसी तरह से मैं कोई भी अक्षर, कोई भी ध्वनि जब बाहर निकालती हूँ तो जा नहीं रह जाता, वो जा हो जाता है। तो अब हम इसी पर आगे बताते हैं। इसीलिए वो मंत्र जो बाहर नहीं निकल पाता, हाँ बाहर निकलने से पहले वाला जो चीज़ होती है, कई मंत्र आपने देखा होगा, बीज मंत्र होते हैं, हाँ के ऊपर बिंदु, कुछ भी, ओम का जैसे शुरुआत है, उसके पहले का जो छोटा आ होता है शुरुआत में, वो आपका शुरुआत है, वो आप जैसे ही निकालते हैं उसमें बड़ा हो जाता है। ये तो हमने बात करी मंत्रों के ऊपर। हाँ तो जो शक्ति आपकी मंत्र का जाप कई तरीके से होता है ना, बोल के होता है, मानसिक जप होता है। हाँ तो मानसिक जप हमेशा बाहर जो बोल के किया जाता है उससे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन उसमें ध्यान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए शुरुआत हम ऐसे मंत्रों से करते हैं जिसमें हम बाहर ध्वनि निकलती है। अच्छा, और मन में जो चीज़ बोली जाती है, जैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहूँ तो सबसे पावरफुल बात वो होगी जो मैं मन में ही आपसे कह दूँ कि ऐसे। अच्छा, ये जो मन की बात है, जो मन से जो बात निकली और मन तक पहुँची, ये कौन सी बात है, ये बात सबसे पावरफुल रहेगी और आप तक जल्दी पहुंचेगी। अच्छा, उसी तरह से हम खुद से अपने लिए भी बात कर सकते हैं, जिसको हम प्रभु कहते हैं, जो हमारे ही अंदर सबसे डीपेस्ट लेवल पर रहता है, उससे भी बात कर सकते हैं। और इसी चीज़ को मैंने आपको कई तरीके से समझाया है कि सरेंडर करना उस पॉइंट पर जहाँ सांस का आना और जाना होता है, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर, उससे भी बात कर सकते हैं। जो भी बात हम उस वक्त कर पाएं जब हम सांस लेने और छोड़ने के बीच के समय में, वो बात सबसे पावरफुल होती है। जो भी चीज़ आप कन्वे करना चाहते हैं, आप एक बार उस शांत जगह, शांत मन से उस जगह पर बोलिए, वो सबसे पावरफुल होगा। ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी नेगेटिव की, क्योंकि जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ नेगेटिव ज़रूर होता है, इसका अस्तित्व नहीं हो सकता। तो जब हम किसी के बारे में ख़राब सोचते हैं, जब भी हम कुछ ख़राब सोचते हैं, मन ही मन गाली देते हैं जिसको बोलते हैं, वो गाली उस तक पहुँच जाती है और ज़्यादा गहरी पहुँचती है। और आप तो, आपको लगता है आप बहुत होशियार हैं कि आपको तो ये लगता है कि मैंने तो उसको कुछ कहा ही नहीं, हाँ मन तो मेरा ये था, मैंने तो कहा ही नहीं, लेकिन उस तक पहुँच गई और आपके संबंध उसी हिसाब से बन जाएंगे।
अच्छा, ये तो हमने ही कर ली बात कि किस तरह से हम आप जैसे मैं आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं सोचती हूँ कि आप प्रसन्न रहें, हाँ, और मन में सोच रही हूँ प्रसन्न रहें, तो मेरे जो भी चीज़ें होंगी, मेरी जो भावनाएं होंगी वो आप तक पहुँच जाएंगी, एनर्जीज पहुँचेंगी। अगर मैं ऊपर से अच्छी बात भी करूँगी और अंदर से कुछ मेरे ये रहेगा दिखावा, जैसे डबल चल गए, तो वो आप जान गए होंगे कि कौन सी चीज़ उस तक जल्दी पहुँचेगी। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने बात वो कर ली कि ये होता है ये होता है। अब हम अपनी जिंदगी में चीज़ों को बदलना चाहते हैं, खुद के इवोल्यूशन बोलते हैं, खुद में बदलाव चाहते हैं, उसके लिए क्या करें कि ये चीज़ें हम हमारे उद्देश्य के लिए, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर सकें। तो उसके लिए मैं सबसे सीधी सच्ची बात बताती हूँ। मेरे कई बार मैंने आपको बताया, क्रिया योग से आप अपने मानसिक कर्म, वचन और मन, इन तीनों पर बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। ये नहीं कि कुछ भी हम बोलने लग जाएं, कुछ भी करने लग जाएं, वो नहीं होता। तो धीरे, हाँ, ये अभ्यास की चीज़ है। आप ये मत सोचें कि आज मैंने बोला और कल तक हो जाएगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास। पहले क्या होगा कि आप 100 बार जो ये करते थे, वो थोड़ा सा 90 बार होगा, फिर 80 बार होगा। हाँ, दिन में अगर 100 बार करते थे, धीरे धीरे वो करते करते दिन में 1 बार हो जाएगा, फिर 2 या 3 दिन में 1 बार होगा। तो इस तरह से आप इसको अभ्यास कर सकते हैं। क्रिया योग करें, मेडिटेशन करें, या जो भी आपको अच्छा लगता है, जिससे आपका मन शांत हो और सेल्फ रियलाइजेशन हो। और मैंने एक वीडियो बनाया था कि रात में सोते समय, बहुत छोटा सा वीडियो है, रात में सोते समय इस चीज़ का अभ्यास ज़रूर करें कि मैं सोऊं, जागूं, स्वप्न में हों, जब भी हों, मैं चेतन रहूं। ये चेतन वो चेतन है जो अवेयर रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये चेतना इस प्रकार की चेतना है जो आपकी बीमारियों को सही रख सकती है, आपको बता सकती है कि आपको ये दिक्कत है, आने वाली है। चेतना, आप अवेयर हैं, ये नहीं कि कुछ हो रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा, नहीं। तो ये चेतना जो है, ये आपके एक्शंस के लिए भी है, आपके हेल्थ के लिए भी है, सारी चीज़ों में चेतना, बुद्धि, बुद्धा, हाँ, तो ये सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। चेतना का अभ्यास करें 40 दिन तक, और विजिलेंट रहें। विजिलेंट रहना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप सुबह, मैं ज़्यादा नहीं कहती, 5 या 10 मिनट सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले अपने आप को संतुलित कर लें और जान लें कि मुझे आज का दिन बहुत बेहतर तरीके से जीना है, तो, और रात में सोने से पहले कि मुझे आज की रात और कल सुबह बेहतर तरीके से बेहतर इंसान बनना है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अगली बार जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, किस तरह से आप अपनी सुबह सुबह आप पूरा दिन प्लान कर सकते हैं, यकीन मानिए, अभ्यास करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि जो मेरे वीडियोस हैं उससे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या लाभ उठा पा रहे हैं। वो भी सिखाऊंगी, हाँ, कि किस तरह से आप सुबह का दिन प्लान कर सकते हैं और वो एग्जैक्टली वैसा ही होगा बिना किसी प्रेशर के। हाँ, तो आज से आप अभ्यास करिए, चेतना का अभ्यास करिए। हाँ, ये वो चेतना है जो सोते समय भी जागरूक रहती है। जुड़िए और खुद से जुड़िए। तो आज का, मुझे उम्मीद है आपको अपनी बात का जवाब मिल गया होगा। जिन लोगों ने जिज्ञासा दी, कि आपने तो आधी सी बात कर दी कि जिज्ञासा पैदा कर दी और छोड़ दिया। नहीं, मैं छोड़ती नहीं हूँ, बस मुझे ये रहता है कि आप थोड़ा सा उस बारे में पहले से सोचना शुरू कर दें कि कैसे होगा, क्या होगा। आपके दिमाग में बीज बोने जैसा काम करते हैं मेरे छोटे छोटे वीडियोस, उसके बाद उसको सींचना, और वो मेरा भी काम है और आपका भी काम है। अब अगला जो मेरा वीडियो बनेगा वो ऐसा बनेगा कि
आप सारे दिन की प्लानिंग सुबह 5 मिनट लगा के कर सकते हैं। यकीन मानिए सारी चीजें वैसी ही होंगी जैसी आप चाहते हैं, ना कि जैसी आप हमेशा से सोचते आए कि आधा हुआ किसी दिन अच्छा बुरा, नहीं, आप जैसा चाहते हैं आपकी सोच। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।